आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने व्हीकल का हाइपोथिकेशन ऑनलाइन कैसे रिमूव करवा सकते हैं। अगर आपने कोई भी व्हीकल फाइनेंस पे परचेस की है, फाइनेंस पर आपने कोई भी व्हीकल ली है, व्हीकल की जब सभी किस्त कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने किस्त का एनओसी लेना होता है। एनओसी लेने के बाद आप अपने व्हीकल से आप हाइपोथिकेशन हटवा सकते हैं ऑनलाइन। जैसे ही आपके व्हीकल की सभी प्रीमियम कंप्लीट हो जाती है, आपका व्हीकल फ्री हो जाता है, उसके बाद आपको अपने व्हीकल से हाइपोथिकेशन रिमूव करवाना होता है। अगर आप अपने व्हीकल से हाइपोथिकेशन रिमूव नहीं करवाते हैं तो आप अपने व्हीकल को सेल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसका ये बात है कि आपका जो भी व्हीकल का ओनरशिप होता है तो ओनरशिप 50% आपके पास रहता है और 50% आपका फाइनेंस कंपनी के पास रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप अपने व्हीकल से हाइपोथिकेशन ऑनलाइन कैसे रिमूव करवा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। आरसी कार्ड से हाइपोथिकेशन हटाने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन यूज करने के लिए आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको परिवहन सेवा की ऑफिशियल साइट पर आना है। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं parivahan.gov.in। तो आप परिवहन सेवा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। जैसे इस साइट पर आएंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट स्टेट नेम। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जो भी आपका स्टेट रहेगा यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट के व्हीकल सर्विस पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल जाएगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दो मेथड रहेगा यहाँ पर आपको अपनी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर हम अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट बाय डिफॉल्ट रहेगा, आरटीओ रहेगा। यहाँ पर आप टर्म एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जैसे कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे आरसी कार्ड पर आपको एड्रेस चेंज कराना है, हाइपोथिकेशन हटाना है, या फिर डुप्लीकेट आरसी या फिर एनओसी इशू करवाना है। तो यहाँ पर बहुत सारा आप यहाँ पर सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आधार कार्ड के थ्रू। यहाँ पर आपको ऑफलाइन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन सर्विसेज आ जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर चेंज एड्रेस हाइपोथिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बाय ट्रांसफर सेलर, यहाँ पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप अपनी ऑनरशिप भी। इसके साथ ही अगर यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ सर्विसेज पर देखेंगे, यहाँ पर आपको आरसी रिलेटेड सर्विस मिलेगी। आरसी रिलेटेड में यहाँ पर अप्लाई फॉर चेंज एड्रेस एंड हाइपोथिकेशन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नीचे आप चेचिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी और इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप मोबाइल ओटीपी के थ्रू और आधार के थ्रू आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल ओटीपी के थ्रू करेंगे तो यूजिंग मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो भी ऑनर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ओटीपी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉपअप दिख रहा है इसको आप क्लोज कर देंगे, वो रेफरेंस नंबर रहता है, हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया, ओटीपी डालेंगे। देन यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन इंट्री फॉर्म, आप कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस, एडिशन हाइपोथिकेशन, ऐप हाइपोथिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे केस में हाइपोथिकेशन हमें टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हाइपोथिकेशन हमारा इंडसइंड बैंक से था और एड्रेस हमारा ये है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन क्या है, टर्मिनेट। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम टर्मिनेट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और किस डेट को आपका यहाँ पर टर्मिनेट हुआ है आप अपने एनओसी पर चेक कर लेंगे। आपके एनओसी पर टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन की डेट लिखी रहेगी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे इंश्योरेंस की डिटेल आ जाएगी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो से हमारा चल रहा है, पॉलिसी नंबर है, यहाँ पर इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जीएसटी वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल अमाउंट
अब यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप यस वाले सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट आईडी रहेगा, अमाउंट रहेगा और यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करना है आपको और यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर 75 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, 12 रुपीज़ आपका चार्ज है और 63 रुपीज़ आपका यहाँ पर यूज़र चार्ज है। तो यहाँ पर टोटल आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। देख सकते हैं रिडायरेक्टिंग टू बैंक, यहाँ पर बैंक पे आप रिडायरेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर आप वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वैलेट, NEFT, SBI, ब्रांच पेमेंट। आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं UPI सेलेक्ट करेंगे, SBI ब्रांच के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं UPI के थ्रू करूँगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास UPI QR है तो UPI QR वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर UPI आईडी के थ्रू करना है तो UPI आईडी, तो यहाँ पर आप कोई भी एक UPI आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैलिडेट UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी UPI आईडी वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने UPI ऐप सेलेक्ट किया होगा, जो UPI आईडी डाला होगा, उस पर यहाँ पर एक पेमेंट लिंक चला जाएगा और आपको पेमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पर पे नाउ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 मिनट का टाइम मिलेगा। आपने जो UPI ऐप सेलेक्ट किया UPI आईडी, उस UPI ऐप पर आप ओपन करके यहाँ पर आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश या फिर जो भी आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा काइंडली अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 फॉर्म यहाँ पर आप प्रिंट करके इसको फिल करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर आप अपनी रिसिप्ट भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे प्रिंट रिसिप्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे हम सेव कर लेंगे, इसे हम अपना ये सेव कर लेते हैं। जैसे प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर हमने सेव कर ली, इसके साथ ही यहाँ पर और 35 यहाँ पर फॉर्म है तो 35 फॉर्म इसको भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसको आपको फिल करना है किसी भी बैंक में, कोई कोई बैंक में क्या होता है, आपको यहाँ पर 35 फॉर्म पहले से ही फिल करके दे दिया जाता है, उसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है सबसे पहले बैंक NOC इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन केस में, तो यहाँ पर चूज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जहाँ भी आपने रखा है। तो यहाँ पर हम अपना NOC यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद NOC यहाँ पर हमारा आ जाएगा, प्लीज चेक द फाइल नेम, इट शुड बी ओनली अल्फाबेट डिजिट। तो यहाँ पर चलिए अल्फाबेट डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर फाइल नेम आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना फाइल नेम जहाँ भी आपने रखा है, जैसे यहाँ पर हमने रखा है, इसका फाइल नेम हम चेंज कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ टर्म आपको एक्सेप्ट करना है, ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फॉर्म 35 यहाँ पर अपलोड करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ भी आपने फॉर्म रखा है 35, तो उसको यहाँ से आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ टर्म एक्सेप्ट करके ओके करेंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में फोटो आईडी प्रूफ आ जाता है, फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, चूज पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने आधार कार्ड रखा है, आधार यहाँ पर आप अपना ओपन करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अपलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड फर्दर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका नाम रहेगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट अपडेटेड, यहाँ पर आप इसको आप चेक मार्क हटा देंगे और डॉक्यूमेंट अपडेटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट अपडेटेड अलर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर फिर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके टर्म एक्सेप्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। यहाँ पर आई आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पेज पर आएंगे, यहाँ पर प्रोसीड फर्दर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपडेटेड आ रहा है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका व्हीकल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और हाइपोथिकेशन का यहाँ पर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद प्रोसीड फर्दर कर देंगे, आपका सक्सेसफुली यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेटेड आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो चुका है। स्टेटस अब आपको यहाँ पर ट्रैक करना है, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपको देखना है एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है तो नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्स, उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू हैव अप्लाइड फॉर हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, प्लीज़ चेक द करंट स्टेटस बाय स्टेटस नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और RTO विजिट करके वहाँ से भी आप अपना स्टेटस ट्रैक करवा सकते हैं। जैसे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहीं से हम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन नंबर है आपके पास तो एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपको याद नहीं है तो। उसके बाद यहां पर कैप्चा कोड डाल के यहां पर आप सबमिट कर देंगे, जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहां पर आपके यहां पर जो भी आपने सबमिट किया है उसका यहां पर हिस्ट्री आ जाएगा, करेंट स्टेटस ऑफ डिस्पैच यहां पर देख सकते हैं कि RC प्रिंट अभी नॉट अवेलेबल है, FC प्रिंट नॉट अवेलेबल है, HSRP स्टेटस नॉट अवेलेबल, कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी, करेंट स्टेटस ऑफ डिस्पैच यहाँ पर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर डिस्पैच RC अवेलेबल, जैसे डिस्पैच होगा तो यहाँ पर डिस्पैच आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको RC कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने RC कार्ड में हाइपोथिकेशन ऑनलाइन रिमूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों की छोटा सा वीडियो आप काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। नीलेश 094, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, टेक केयर।